It was at this moment he knew he fucked up. Ah! No! Mujhe mat maro. Oh, police! अबे चढ़िए, अरे रास्ता बंद है। Previously on Days Gone, पिछले मिशन में हमने लीजा को रिकी के पास छोड़ दिया था। उसको छोड़ने के बाद हम लोग वापस हमारे कैंप में सोने के लिए आ जाते हैं। बट सुबह होते कि जैसे ही हम जागते हैं तो हमारे सामने ब्रूजर गन पकड़े हुए रहता है। ब्रूजर ये कहते रहता है कि उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो डीगन के ऊपर गोली चलाने वाला रहता है। बट ब्रूजर की खराब हालत देखकर डीगन उसे सैर सपाटे पर ले जाने का फैसला करता है। सैर सपाटे के बहाने वो सीधा आयरन माइक के कैंप के पास पहुंचता है, ब्रूजर को वहां पर छोड़ देता है और आयरन माइक के कैंप में चोरी छुपे घुस जाता है। डीगन वहां पर एंटीबायोटिक्स लेने गया रहता है, बट उसको वहां पर रिकी और उसकी फ्रेंड एडी उसे वहां देख लेती है। उसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि वो यहां चोरी करने क्यों आया है, बट वो बताता है कि वो ये चोरी अपने दोस्त ब्रूजर को बचाने के लिए कर रहा है। एडी रिकी को ब्रूजर को बचाने की बात कहती है और रिकी डीगन के साथ जाकर ब्रूजर को अपने कैंप ले आती है। ब्रूजर का इलाज चालू हो जाता है, बट आयरन माइक हमसे मिलना चाहता है। हम आयरन माइक से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा हमारा नोकझोंक होता है स्कीजल नाम के बंदे के साथ। उसके बाद हम लोग फिर से एडी के पास जाते हैं ब्रूजर को चेक करने के लिए, जहाँ पर एडी हमें बताती है कि हमें एक सर्जिकल नाइफ लेकर आना होगा। और हम लोग चले जाते हैं एक ज़ॉम्बियों से भरे एक टाउन में, जहाँ पर हमें हमारा सर्जिकल नाइफ मिल जाता है। उस नाइफ को हम लोग लेते हैं और सीधा एडी को दे देते हैं। यहीं पर हमारा वॉक थ्रू एंड हो गया था दोस्तों, तो चलिए आज का वॉक थ्रू चालू करते हैं। सो व्हाट इज अप एवरीवन, मैं हूं K9 Barbarian और आप लोग देख सकते हैं मैं खेल रहा हूं डेज गॉन। हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। ये मिशन काफ़ी दूर था हमारे कैंप से और मैं नहीं चाहता था कि यहां तक पहुंचते पहुंचते भाई बहुत टाइम लग जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर पहुंच गया और थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस को मेनटेन करते हुए यहां पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों आज का मिशन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला मिशन होने वाला है सैरा के ऊपर, मतलब सैरा की कहानी के ऊपर। तो चलिए मिशन स्टार्ट करते हैं। All right, I'm here. Jesus, don't sneak up on me like that. Did you find anything out about Sarah, about the woman that I put on your chopper? Nothing. Nothing? Hey, wait, it's gonna take some time, okay? I'm risking my neck here. If anyone back at HQ finds out, those guys with the guns over there, they'll order it without question. You're on the same team, O'Brien. It just looks that way. Look, I don't have time to explain it right now, but... it's why I need your help. My help? Look, just take it. It's a wavelength recorder and some GPS trackers. I just need you to... we're out of time. Look, I don't even know your name. Deacon St. John. Well, look, Deacon St. John, if you want me to risk my neck helping you find whatever her name, Sarah, then yeah, I'm gonna need you to do something for me. Okay. Keep the radio close. I'll contact you in a couple of minutes. वाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था दोस्तों यहाँ पर हमें ओब्रायन मिलेगा। सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग यही चल रहा था कि हम लोग सैरा के मिशन के पीछे चलेंगे, बट नहीं, हम ओब्रायन के पीछे आ गए दोस्तों और वो हमको एक और काम पकड़ा गया है। और ये जो काम है ये फालतूगिरी का काम है, मतलब वो हमें सैरा की इन्फॉर्मेशन देगा बट हमें पहले उसका काम करना होगा। मतलब अगर ये नहीं किए तो हमको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, इसलिए मिशन पर हमको उसका मदद करना ही होगा। और ये देखिए, हमारे सामने ही एक चॉपर जा रहा है और ये हमें बोल रहा है कि इसे फॉलो करना है। भाई ओब्रायन कितना ही काम देगा यार। ओके, फॉलो द नीरो हेलीकॉप्टर। ओके दोस्तों, हम लोग उसके पीछे जाएंगे। ये एरिया मुझे मालूम है, ये एरिया पूरे ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। एक चूक और सीधा मैं निपट जाऊंगा, इसलिए मुझे निपटना नहीं है, सीधा उसके पीछे जाना है। काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद और काफ़ी दूर तक मशक्कत करने के बाद फाइनली हम लोग चॉपर के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर वो रुकेगा। वाह, यहाँ से बहुत सारे आदमी भी निकलेंगे। ये पुराना काम है, आपने देखा ही होगा, हमने एक दो बार और भी किया है और वहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया था। चॉपर से निकलने वाले को बस देखना है हमें वो कहाँ जा रहे हैं, और मैंने टैग भी कर लेता हूँ, बट मैं भूल गया हूँ किससे करता है। हाँ, यस, इस बटन से। गुड, सही है। सच कहूँ तो दोस्तों, डीकन को अपनी वाइफ को पता चाहिए, बट ओब्रायन हमें इन चूतियों का पता बता रहा है। हम इनके पीछे कब तक जाएंगे, कब तक इनके पर दिमाग खपाएंगे? इन चूतियों के पीछे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, दिमाग का दही भी होगा। और अब ये कह रहा है कि साला हेलीकॉप्टर के पास जाना है, यार हद है यार। ओहो, वो शेट, वो लोग उस घर की तरफ गए हैं। एक बंदा साला हेलीकॉप्टर के पास है। चलिए झाड़ियाँ खोजते दोस्तों जहाँ छुप पाए। ये देखो, इसके हाथ में गन है दोस्तों, वो गिटार बजाने के लिए रखा है। वो सीधा हमको टपका सकता है, एक शॉट और गेम ओवर।
ओब्रायन एक बार मिल जा तू, तेरे को मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सीरियसली काम करना है। वो इधर को जा रहा है, तो चलिए इधर को भेज देते इसको। जा बे उधर जा। ये पुम, हमारा काम आसान हो गया। वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, हम लगा लेंगे इसमें ट्रैकिंग डिवाइस, हमारा काम भी ओवर हो जाएगा। बट ओब्रायन को ये ट्रैकिंग डिवाइस इस हेलीकॉप्टर में क्यों चाहिए? साला इन्हीं के लिए तो काम करता है ये। ओह शिट, कोई देख ना ले। ओहो ये घास घास घास। हाँ यहाँ छुपूंगा मैं। मराओ भाई तुम लोग वहीं पर, मैं जा रहा। अबे यार ये इधर आ रहा क्या? नहीं नहीं उधर जा रहा, मेरा रास्ता क्लियर है दोस्तों। ओह शिट, मुझे वहाँ जाना है, मैं इधर नहीं जा सकता, कोई मतलब नहीं है, इधर ही से जाना होगा। बट यहाँ पर एक जाड़िया खड़ा है दोस्तों, अगर वो हमें देख लिया तो गेम ओवर, फिर से खेलना पड़ेगा। वैसे ये अभी तक देखा तो नहीं है, इसके मुंह पे मास्क लगाया तो कहाँ से देखेगा। सही है, आँख के अंधे नाक के नैंसू। क्या बोला तूने? मैं अपना काम करूँगा, बस मुझे झाड़ियाँ दिख जाए जहाँ मैं छुप सकूँ। छुपूंगा तभी तो काम होगा दोस्तों। ओके ये रहा, यहाँ पर से हमें उसके ऊपर निगरानी रखनी है। बट यहाँ से हम उसकी बातें नहीं सुन पा रहे, थोड़ा और करीब जाना होगा। वो देखो एक और झाड़िया आ रहा है भाई, उसका बॉडीगार्ड भी यहीं पर है। ओह शिट। ओके ये देखिए यहाँ पर एक घास है, यहाँ पर चांस ले सकते हैं। देखेगा तो देखेगा, बट मिशन कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। वाओ लेट्स गो, आप लोग इसकी बातें सुनिए। क्या 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 साले, तुम लोग ज़ॉम्बी को पकड़ के उसका चीर फाड़ कर रहे हो, वो भी मेल सब्जेक्ट, क्या देखना चाह रहे हो उसके अंदर? इन लोग का दिमाग का दही हो चुका है दोस्तों। एक आदमी इन्फेक्ट हो चुका है और पूरा ज़ॉम्बी भी बदल गया है, बट इनको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। बताइए अबे, और यहीं पर क्यों कर रहे हो? लैब ले जाओ साला, यहाँ पर खोलोगे तो क्या मतलब? आई एम सॉरी बाबू। वाह दोस्तों वाह, पूरी दुनिया की लग चुकी है और ये लोग ज़ॉम्बी की लगा रहे हैं, मतलब इनका दिमाग घुटने पे आ चुका है। एक्सपेरिमेंट करना है, दो चार ज़ॉम्बी पकड़ो, लैब ले जाओ सालो, यहाँ पर क्यों खोल रहे हैं? ओके हमारा काम हो गया, इनकी बातें हम लोग सुन लिए। चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। मुझे इन नीरो वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, इनको दुनिया को बचाना चाहिए तो ये लोग साले ज़ॉम्बी के पीछे पड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं ज़ॉम्बी को, हद है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि ओब्रायन को इससे क्या मतलब है? ओब्रायन ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहा है? उसे जानना है कि कर क्या रहे नीरो वाले, मुझे तो ऐसे ही लगता है। लेट्स सी ओब्रायन क्या बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बोलेगा, जो भी यहाँ पर बोल रहा है फालतू बातें कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग अपने बाइक के पास पहुँचते हैं और ये हमें कुछ बताएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर से आगे चले जाएंगे। ओके ओब्रायन आउट, व्हाट डू यू मीन ओब्रायन? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही ना भाई? काम हो गया निकल लिया, बात भी नहीं कर रहा, हद है यार, ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे सहरा के बारे में बता साले। मुझे नहीं लगता दोस्तों अब ये कुछ बोलेगा, इससे अच्छा हम लोग सीधा अपने अगले मिशन पे चलते हैं। ओह शिट, अब ये साला मेरे पीछे आएगा। अबे गाड़ी रोक, यहाँ कोंटे पे वो छछुंदर आ रहा है, भाग। सो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ज़ॉम्बी से छुप रहा हूँ दोस्तों। हम लोग यहाँ पर लीजा की तलाश में आए हैं। जैसे कि रिकी ने बताया कि इस रोक कैंप में कहीं पर लीजा घूम गई है या फिर यहाँ से भाग गई है, हम उसका सुराग खोजने के लिए आए हैं कि लीजा यहाँ से कहाँ गई है। चलिए पता लगाते हैं, यहीं कहीं पर दिखा रहा है इसी एरिया के आसपास लीजा गुम हुई थी। ओहो चल गेट खोल। ओह शिट, गेट लॉक है दोस्तों, ये नहीं खुलेगा, मतलब हमको कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। इधर का रास्ता देखते हैं, बट ये पूरा जगह ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। वो देखिए दो उधर से आ रहे हैं, प्लीज़ दुआ करना कि वो लोग यहाँ ना आए। वाओ यस, हमारे पास मौका है। ये देखिए गाड़ी को ढकेलना है भाई, ढकेल। यस ओ नो, ओह शिट, रन क्रॉल, मैं बच गया। यस मैं बच गया दोस्तों, वो अंदर नहीं आ सकता, कामयाबे। वाह ऐसा लग रहा था मेरा पैर पकड़ के खींच देगा सीधा, बट हम बच गए। चलिए अंदर सुराग ढूंढते हैं, सर्च फॉर लीजा। यस क्या रे लड़की,
तेरे को क्या प्रॉब्लम है? देखा जाए तो हम लोग लीजा को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते दोस्तों, उसके पेरेंट्स गुम चुके हैं, वो अकेली रहती है और सच बता रहा हूँ इतने टाइम से अकेले ही सर्वाइव कर रही थी, और डीकन ने उसे बचा कर लाया और सीधा टकर जैसी बुढ़िया के हाथों छोड़ दिया। हद है, वो बुढ़िया बहुत ही घटिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये भी है कि डीकन कैसे लीजा को संभाल सकता है, क्योंकि उसका दोस्त ब्रूजर घायल है, इसलिए उसने रिकी के हाथों उसे सौंप दिया था, बट वो अब रिकी के घर से भी भाग चुकी है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि लड़की बहुत डिप्रेस्ड है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। और ये देखिए ये क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू फॉरगेट, ये लीजा का लिखा हुआ आखिरी लेटर है दोस्तों। यहाँ से हमको पता नहीं कि वो कहाँ गई है। हमारा काम कंप्लीट होता है, नाउ यू सी इट। यस, हमारा काम हो गया दोस्तों, चलिए यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों आपने वो सुना, मैंने भी सुना, बाहर गोली और बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब यहाँ पर कोई आ चुका है। यहाँ रुकना सही नहीं है, चलिए यहाँ से निकलते हैं बिना कोई टाइम पास किए। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़ॉम्बी और उन बंदों से अकेले भिड़ूँ। ओह शिट, कहाँ गोली चल रहा है, मेरे पीछे। ओके कम ऑन, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क है तो इश्क है दोस्तों। सूम शॉट निकलेंगे दोस्तों, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से आए और किधर को गए। मेरा बाइक यहीं पर खड़ा है। ओह शिट, वो देखो एक बंदा उधर भाग रहा है और एक ज़ॉम्बी मेरे सामने मेरे को दिख रही है, वो देखो। वाओ दोस्तों, यहाँ से मुझे वापस आयरन माइक के कैंप जाना है यार, हद है, ये आसान नहीं होने वाला, पहले इसको निपटाना होगा। मैडम क्या खाने को आती आप इधर को देखने का? मैडम डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसको निपटा देते हैं। ये बाय बाय, गुड नाइट। वाओ, चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, मैं सीधा आपको आयरन माइक के कैंप में मिलता हूँ, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, हियर वी आर। लगता है अगला मिशन हमारा ब्रूजर के साथ होने वाला है। ब्रूजर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वो अभी भी यही है दोस्तों, उसका इलाज पानी चल रहा है यहाँ पर। सुबह हो गई मामू। Hey, I came by to see how the lazy bastard's doing. How you doing, Booze Man? Are you tired of laying around yet, Boozer? Hey, you can't be in here, Deacon. Come on, hey, come what's on, going Deacon. On? How's he doing? He needs his rest. Don't mess around with me, Addy. I asked you, how is he doing? I'm good. Not good. Damn, it's cold. The antidote. They're not enough. Never enough. No, wait a second. You said that. I said that we would try. Look, all we can do is wait. Okay. All right. Deacon. No, Deacon. There's. You know what? There's Deacon. Something I can do Deacon. About this. Stop. I can get. Stop! What? I know you want to smash something. I see that look yes. in your eyes. But you know what? You go right ahead, but you do it out there. Daddy. Go. I can. Look. There is nothing else you can do. Get it. Please. Just go home. Go home, Deacon. Deacon. वाओ दोस्तों, ब्रूजर का बहुत हालत खराब है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो ठीक होने वाला है। और ये स्किजल यहाँ पर क्या कर रहा है? Skizzo, he'll be fine. एंटीबायोटिक्स कम पड़ रहे हैं दोस्तों, हमें दवाई का इंतजाम करना होगा, एंटीबायोटिक्स का इंतजाम करना होगा, तभी जाके ब्रूजर ठीक होगा। ये क्या बातें कर रहा है भाई? अच्छा ये कुछ बता रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या बताने चाह रहा है। Was on the ground back in farewell when shit went down. ये बता रहा है कि कुछ समय पहले कुछ ड्रिफ्टर्स इसके पास आए थे, वो लोग बता रहे थे कि वो एयरपोर्ट में काम करते थे और वो लोग इसे किसी रेड क्रॉस प्लेन के बारे में बताए थे। वो कार्गो लेके जा रहा था जिसमें मेडिकल सप्लाइज थे और एंटीबायोटिक्स थे। Keep your voice down. मतलब ये हमको बताने वाला है कि वो कहाँ मिलेगा, मतलब वो प्लेन कहीं ना कहीं होगा और हमें उस कार्गो को लेकर आना होगा दोस्तों। So this drifter,
He's working in the control tower when the plane disappears off the radar. Poof. Now you see it, now you don't. Right about here. South of Mount Washington. That's what he said. It came down intact. A controlled crash or whatever. The guy's got to listen to the pilot bleeding out from a broken pelvis on the ground. Okay, so you haven't sent anyone to find this? Nope. Why not? Because the old man won't have it. Iron Mike, what the... Oh, right. Rippers. You catch on quick. Everything west of the Iron Ridge here belongs to Carlos and his merry band of bald-headed freak-alikes. Shit. So you go over there and you get caught, you head north, brother. Otherwise, Iron Mike's treaty with Rest in Peace goes... No, I get it. Let me ask you a question. Why are you telling me this? Oh, wait a minute. First off, I'm not telling you shit. You remember that? Second off, you're a goddamn drifter. What am I supposed to do? Follow you around like I'm your little bitch, keep your ass out of trouble? All right. I have things to do. I get it. You're just a regular stand-up guy, right, Schizo? Just trying to stay alive. Like everybody else. Hey. You do what you gotta do. At the end of the day, that's all we got. Do you know what I'm saying? I know what you're saying, Schizo. Keep your radio close. I'll be in touch. इस हरामी के ऊपर मुझे 0.1% भी भरोसा नहीं है। इसकी बातें ऐसे लगती हैं कि हर समय झूठ बोल रहा है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, भले ही हमारी मदद करना चाह रहा है, बट इसके चेहरे पे दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। ये हमें कार्गो शिप के पास जाने तो बोल रहा है, बट वो जो कार्गो शिप है वो रिपर्स के कैंप में है दोस्तों। और चलिए वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वहाँ क्या करना है। मैं आपको बता दूँ कि आयरन माइक और रिपर्स की ट्रीटी है कि वो एक दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे, बट वो ट्रीटी हम लोग अभी ब्रेक करने वाले हैं दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग? Schizo, it's St. John. I'm at the border. You see any of my men around? No, Schizo, it's clear. Look, how much time do I got? Time? Time for what? All I know is I got a card game going on with a few of my guys. A couple of them maybe that should be out on guard duty, but I'm letting that slide. If I had to guess, I'd say we'd be playing all night. So until morning. Got it, Deacon out. इसके परदादा का पोता, ये स्किजल हमको धोखा दे दिया दोस्तों। यहाँ पर मिलने की बात करा था, बट यहाँ पर हम अकेले आए हैं और वो वहाँ पर कार्ड गेम खेल रहा है। Playing all night. Oh shit. Let's go. Wow यार, यहाँ मैं कभी नहीं आया हूँ। ये मैप मेरे लिए नया है, तो समझ लीजिए यहाँ पर पेलाई होगी literally। और मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। Wow shit! अबे रुक, वो देखो, एक साला जाड़िया घूम रहा वहां पर। ओह शिट, उसको हवा लग गया कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। टॉर्च मार रहा दोस्तों, देखो। वाव, क्या करें, बाहर निकल के ठोक दे कि वेट करें? ओ नहीं, सीधे मुंह नहीं लड़ सकते। मुझे एक बंदा दिख रहा है गैटलिंग गन के साथ, कोई मशीन गन लेके आ रहा है। वो देखो, वाव, ये टकली तो यहीं पर है। अबे टकली क्या है, सामने क्यों आ? ओ नहीं यार, अभी गोली चलाया हल्ला हो जाएगा और माहौल गरम। हाँ ये सही जगह है, यहाँ पर मारता हूँ साले को। हट, बढ़िया। दो तीन लोगों को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। वो जो अकेला घूम रहा है ना मशीन गन लेके, वो अकेला हमको पेल सकता है दोस्तों। उसकी एक गोली हमको एक ही गोली में ढेर कर देगी। अब वेट नहीं कर सकते दोस्तों, हमला तो करना ही होगा, आज नहीं तो कल। मौका देख के चौका मारेंगे। उधर जा साले। यस, अब तू इधर आ। गुड,
ओ उनको पता चल गया मैं कहाँ हूँ। ओह शिट, भाई साहब क्या करूँ मैं। बूम, अबे तब भी बच गया साला, देख रहे हो क्या खा के पैदा हुआ बे भाई। तो गोली दाग रहा, मौका नहीं दे रहा खड़े होने का। अरे रुक, ये ले ये खा। अरे बच गया भाई, अब नहीं बचेगा, हीरो होगा अपने घर का होगा। यस, व्हाट यू गोना डू। अरे यार बॉटल पड़ा है, बॉटल उठा क्यों नहीं रहा। हाँ ये बनाते पहले फिर उठाएगा, अब उठा ले। अरे मेरे को नहीं, बॉटल को रे। यस ये भी चाहिए, अभी जितना गोली पानी मिल सके उतना ही बढ़िया है। ये अब कोई मेरे सामने रोल कॉल नहीं करेगा दोस्तों। इधर आ साले, ये ले, यही पहले करना था मेरे को। पट से हेडशॉट, काम खत्म, काम हो गया। तालियां होनी चाहिए दोस्तों, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, वेल डन। तो दोस्तों यहां से मैं अपना बाइक उठाता हूं और सीधा आपको वहीं मिलता हूं जहां हमको जाना है। माँ कसम दोस्तों, दिमाग का दही हो गया साला, यहाँ आते आते ही मेरा पूरा ऐसी तैसी हो गया दोस्तों। बीच में इतने लोग मिले, दो दो स्नाइपर खड़े थे साला, बच बचा के आया हूँ मैं। एक पेलते तो मैं सीधा नहीं पड़ गया था। चलिए, वो यहाँ तो सचमुच का प्लेन गिरा है भाई। मैं सोच रहा था प्लेन खड़ा होगा, बट प्लेन यहाँ क्रैश हो गया है। मेरे पास कुछ भी आइटम नहीं है। वो क्या है दोस्तों, अबे साला इससे लड़ना पड़ेगा। मेरी तो ऐसी चोक हो रखी है दोस्तों, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किल द ब्रेकर, अच्छा मुंह कान तोड़ देता इसलिए ब्रेकर। अबे वाओ, ये क्या हुआ, धमाका, मतलब ये सब फट सकते हैं दोस्तों। यस, इधर आ जा रही है, आ जा। यस, ओह माय गॉड। It was at this moment he knew he fucked up. नहीं, मुझे मत मारो। Oh please. अबे झाड़िए, अरे रास्ता बंद है, भाग। भाई वो मेरे ही रफ्तार से दौड़ रहा है या फिर मुझसे तेज। अबे ये क्या निकाल लिया, हील कर, हील हील कर भाई। अरे नहीं भाई, गलत बटन दबा रहा मेरे से। इधर आ, गुड, भागो भागो भागो। वाओ शिट, माय गॉड, भगवान मेरी रक्षा करो भाई। हाँ ये एक और है। वो मेरे पास ग्रेनेड है, ले खा इसे, ये आलू है। कैसा लगा आलू, एक और आलू खा। बूम, ओह माय गॉड, बच गया मैं। ये देखो साला, यही था वो सांड, क्या खा के पैदा हुआ भाई तू। वाव दोस्तों वाव, मैं मतलब लिटरली सुसु कर देता अभी। ये लेने आए थे हम लोग इस भेड़िये से लड़ने के लिए, सॉरी गेंडे से। मैं निकल रहा भाई, हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, एक दो मिनट और रुकूंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं निकल रहा, please, we'll fix him up. लगा भाई इसको अपने गाड़ी पे। North, like he said. वाओ यार वाओ, मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कोई जल्लाद आएगा।
चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ से निकलते हैं भाई। सर का भजिया हो गया मेरा। रिकी तेरे को पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, फोन मत कर। Hey, Ricky, this is Deke. You're breaking up. I can't oh, hear you. Oh shit! ये देखो यहाँ पर स्नाइपर। Deke, where are you? I need to get. हम लोग मरते मरते बचे हैं, अभी हम लोग रिकी को पूरी कहानी नहीं सुना सकते, और उसे पता भी नहीं है कि हम लोग अभी रीपर्स के कैंप में हैं। अगर उसे पता चलेगा तो हमको बहुत सुनाएगी भाई। Right up the road. Make sure they don't come back. Now! Put him down! Find it. What was left of him? Yeah. What was left? Hey, I heard gunshots. What's going on? We had a run-in with a few rippers, but I handled it. You handled it? What was it? Wow. I should have known. You should have known what? Jesus, Ricky, who's running security here? You know, I ask myself that shit every single day. I'm done here. Good. So what are you doing out here? What am I doing, Deke? Addie told me to come and get you. Why? Wait, hold on for a second. Is Boozer okay? I don't know. We gotta go. Oh, nahin, 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 nahin. Ek dard ke baad dusra dard. Wow, dosto. वाओ ये देखिए हम लोग कैंप में पहुंच गए। William, William, if you can hear me, I need you to stop. Addie, what's going on? Boozer, go and hold him. What the hell are you doing? Listen, what are you doing? Listen, we need to do this, and we need to do this right now. You what? No. Don't you? Don't you take it? No, no. No, you're not. No way. No, you're not going to do this. Deacon, listen to me. The antibiotics will save his life, but nothing on God's earth is going to save the arm. Now listen, I need you to help me right now, or you can just watch your friend die. Addie, okay. We're losing him. Wait! Deacon. All right. All right, all right. Come on. Hey, pal. Hey, pal. All right, hey, I just need you to stay hold with him. Me. Hold him there. Okay. Hold him. Deacon. Deacon. Hold him down right there. Okay, okay, okay. Oh, my goodness. I damn it. We're losing. No, no, no. He's losing too much blood. You gotta stop. He's losing too much blood. Hand me the ball. Oh, no. Boozer, come on, man. Come on. Hold him. You're okay, pal. Where? Where do I hold him? Just hold him right there. Stop panicking. I'm and trying. Hey, you did good in there. When I was in high school, I thought, maybe I should be a mechanical engineer, or should I be a surgeon? I guess I should have been a surgeon. And you. Hey, hey, okay. You know, you saved your friend's life today. I don't think he's gonna see it that way. Yeah, well, I think he will. I gotta go and give him his IV drip. And you know what? I don't know where you got all this, and I don't want to know. But it's going to save a lot of lives, Deacon St. John. A lot of lives. I gotta go help Addie. Mike, just settle down, okay? Deacon! Get out here! I heard what you did. I wasn't about to let him die. Mike, let it go. It's done. I know that, God damn it. Boozer gonna live? I don't know. But the Ripper saw you. Followed you back. When Carlos finds out about this, there's gonna be the devil to pay. Carlos can go fuck himself. You are writing checks with other men's blood. I hope you're good with that.
do what had to be done. कर भला तो हो बुरा दोस्तों. लगता है हमने ब्रूजर की जान बचाने के लिए इस कैंप के लोगों की जान खतरे में डाल दी दोस्तों. अब क्या ही बोल सकते हैं. तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं. अगर आपको मेरा वॉक थ्रू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए. अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगले वॉक थ्रू में. तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय फ्रेंड्स. बाय बाय.